मेढक और बैल की कहानी। एक मेढक अपने तीन बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहा करती थी। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हष्ट पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता और उसकी प्रशंसा पाकर फूले नहीं समाता। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे किंतु उनकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बताया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं वो है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव देखने में कैसा था? उसके चार बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ, दो नुकीले सींग थे। सिर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बच्चे बोले। ये सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे भी बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और भी बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद सी पकड़ ली कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसने अपने शरीर में हवा भरना जारी रखा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर अब संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक ने अपने प्राण दे दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अहंकार पतन का कारण होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मेढक और बैल की कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।